हाय ऑल, वेलकम बैक। आज मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की। तो घर में ही बनाइए आसान तरीके से हैदराबादी चिकन दम बिरयानी, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक हांडी लिया है जिसमें मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 kg चिकन। इसे मैरिनेट करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन ज़्यादा ही डलता है इसमें। और फिर इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही और इसके बाद डालेंगे सभी सारे मसाले। तो बे लीफ 1, 3 दालचीनी या सिनेमम स्टिक्स, 4 कार्डमम, 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 स्टार अनीस जिसे मैंने तोड़ दिया है। तो ये सभी सारे मसाले डाल लेंगे और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 4 हरी मिर्च, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये थे सारे मसाले। अब हम इसे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे मैरिनेट कर देंगे एटलीस्ट 1 घंटे तक। जितना ज़्यादा देर इसे मैरिनेट करेंगे उतना टेस्ट बनेगा। फोक से चुबा दूंगी ताकि मसाले अंदर जाए और इसे रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम यहाँ पे प्याज बरिस्ता कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्राई करके। इसलिए कढ़ाई में मैंने 1 कप तेल लिया है। ये तेल मैं बाद में बिरयानी में यूज़ कर लूँगी फिर से। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें 4 बड़ी प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया था इसे डाल के फ्राई करूँगी। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे और उसमें आपकी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। जब आपकी प्याज का कलर चेंज हो जाए और जब वो ब्राउन होना शुरू हो जाए तभी आप उसे तेल से निकाल लें, क्योंकि कैरामलाइज्ड अनियन में थोड़ी बहुत हीट गर्मी बाकी रहती है, उससे वो ज़्यादा और पकती है। इसीलिए इसे निकाल के अलग से रख दिया मैंने। और जब ये ठंडी हो गई तो इसे वापस से चिकन में डाल के इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मसाज करते हुए मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन, प्याज और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे टेस्ट किया मैंने, इसमें थोड़ी खटास की कमी थी। तो डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालकर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरी अम्मी क्या करती थी, चिकन को रात में ही मैरिनेट करती थी और सुबह सवेरे में इस पर चावल डाल के इस लेयर करके दम कर देती थी। और अगर आप चाहें तो आप वैसे भी पका सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था और इस मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे ढक दूंगी। तो इसे मैरिनेट कर देंगे और 20 मिनट तक। यहाँ पे मैंने 2 कप या फिर 2 ग्लासेस राइस लिया है, बासमती राइस। इसे अच्छे से धो के सोक करने रखते हैं 1/2 घंटे तक। एक बड़े पैन में मैंने 3 लीटर पानी लिया है। इसमें डालूंगी थोड़ी बहुत पुदीने के पत्ते और 4 हरी मिर्च। तो पानी को पका लें जब तक कि इसमें अच्छे से जोश और अच्छे सा उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए तो इसमें डाल दूंगी चावल, और चावल को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस तभी आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है जब तक कि चावल आधा पक गया है, आधा थोड़ा कच्चा है। एट दैट पॉइंट आपको चावल को स्ट्रेन करके अलग से रख लेना है। यहाँ पे मैंने गैस पर चिकन चढ़ा दिया था और चिकन पकना शुरू हो चुकी है। चावल स्ट्रेन हो चुके हैं तो हम चावल को अच्छे से लेयर कर देंगे चिकन पर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध, जिस दूध में 1/2 कप दूध में मैंने केसर भिगोया था, वो डालूंगी। फिर उसके बाद बरिस्ता की गई प्याज और कटा हुआ धनिया और 2 चम्मच घी के डाल दूंगी अच्छे से लेयर करके। इसे अच्छे से ढककर धीमी आंच में पकाएंगे 20 मिनट से 1/2 घंटे तक। 1/2 घंटे के बाद आप निकाल के लेयर वाइज सर्व करें इसे बिरयानी को और एंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।